अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको फेक आईडीज और रियल आईडीज में फर्क तो दिखाया ही। वेल, अब अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सुनाने वाले हैं मयूर वर्मा की चेतावनी। जी हाँ, इंटरव्यू के दौरान हमने मयूर से ये पूछा था कि जो लोग फेक आईडीज बनाकर शहनाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे। इस पर मयूर ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। ये जो अभी खाली गलोच वाले आ रहे हैं, चार पांच ये जो भी आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, तो दो दो तीन तीन दिन पुराने अकाउंट है। तो अगर ऐसे लोगों को आप कुछ वार्निंग देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ऐसे जो फेक अकाउंट बना के शहनाज। मैं तो पहले सबसे पहले सारों को यही बोलना चाहूंगा, जो शहनाज के फैंस है जो उनके साथ खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि वो उनके साथ लास्ट तक खड़े, और जो फेक अकाउंट बना रहे हैं प्लीज आप ये चीजों को मत करिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत ही गलत हो रही हैं, क्योंकि लोग दो 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 तीन चार पांच रातों रात अकाउंट बना के दस दस पोस्ट डाल के तो उसके अंदर वो फालतू चीजें डाल रहे हैं, सेलिब्रिटी को टैग कर रहे हैं, जिस कारण वो मुद्दा बहुत बढ़ रहा है। तो बस मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज ये ऐसी चीजें मत कीजिए, आपके लिए भी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेंट हो रखी है, कल को अगर कुछ भी सबूत दिख गया तो वो लोग फंस जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज वो चीजों को स्टॉप कर दे, ताकि ये चीजें अभी रुक जाए, नहीं तो ये जैसे ही कोरोना खत्म होगा कि इतना बवाल मच जाएगा कि कोई रोक नहीं पाएगा इसको। तो बस यही बोलना चाहूंगा। तो भाई फेक आईडीज वालों, हर कोई समझ रहा है किस तरीके से आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आपके पत्ते खुल चुके हैं, अब आपको ज्यादा भाव नहीं मिलेगा। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।